हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी यहाँ पर चिकन डेगी बिरयानी। देखिए, बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक के जूलियंस 5 से 6 हरी मिर्च, आधा कप फ्रेश दही, ज़ीरा सिया ज़ीरा 1 चम्मच सौंफ, 5 से 6 लौंग, 2 हरी इलायची, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची के मैंने ऊपर का छिलका ले लिया है। ये डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पर गिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून और मैं यहाँ पर इसके बाद डाल दूँगी 1/2 कप तेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग बाउल में इसको मिक्स किया है। आप जिस बर्तन में इसको बना रहे हो उसमें भी डायरेक्टली आप इसको मिक्स कर सकते हैं। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर दें। तो मैंने कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर एक गिलास के तकरीब इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने विसल चढ़ा दी, चिकन को हमने पका लेना है। बिरयानी का खुशबूदार मसाला तैयार कर लेना है। 1 चम्मच मैंने शिया ज़ीरा, 10 से 12 हरी इलायची, 1/2 मैंने यहाँ पर जायफल ले लिया है और जायफल 3 ले लिए और बड़ी इलायची के जो मैंने छिलके डाले थे उसके अंदर के बीज ले लिए हैं। इसको हमने अच्छे से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सी जार में डालकर पीस भी सकते हैं। साइड में मैंने विसल में चढ़ा दिया पानी चावल उबालने के लिए। तो यहाँ पर पानी में मैं डाल रही हूँ नमक के टेस्ट के हिसाब से। नमक के साथ यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच डाल दिया सौंफ, 1/4 चम्मच या ज़ीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी मैं यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर डाल दिया लौंग और 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है। ये भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने पका लेना है पानी को, यानी उबाल लेना है। जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तो फिर हमने चावल ऐड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मसाला भी पीस कर तैयार हो चुका है। अब दही ले लिया मैंने यहाँ पर 300 ग्राम फ्रेश दही लिया है। इसमें डाल दिया है रेड फूड कलर और डाल देंगे 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है क्योड़ा वाटर, यानी मैंने गुलाब जल लिया है जो खाने वाला गुलाब जल होता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चीनी को मिक्स कर लेना है। तो पानी में भी हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे तो चावलों को भी हमने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। चावल हमने यहाँ पर 80% कुक करना है। बहुत ही जायकेदार बिरयानी बनती है, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है देख के बिरयानी। तो यहाँ पर चावल भी उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। अब चिकन भी चेक कर लेते हैं। चिकन में इतना पानी बचा है यानी हमें इसका पानी अलग कर लेना है, चिकन अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगी। पानी हमने फेंकना नहीं है, पानी हम आगे यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है बिरयानी में। तो चावल भी चेक कर लेते हैं। चावल भी यहाँ पर 80% कुक हो चुके हैं। तो हमने चावलों को छान लेना है और फिर जिस बर्तन में आपको बिरयानी बनानी है उस बर्तन में आपने चिकन इस तरीके से डाल देना है। चिकन को हमने अच्छे से साइड पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे साइड में चिकन को लगा दिया है, फैला दिया है। 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है मैंने और यहाँ पर चिकन के ऊपर हमने चाट मसाला डाल देना है। 2 चम्मच यहाँ पर पीली मिर्च ले ली मैंने, बिरयानी वाली जो पीली मिर्च होती है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं और जो बिरयानी का मसाला हमने तैयार करा था वो भी डाल देंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल, तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और ये ले लिया जो दही भी हमने फेट करके रखा था वो डाल दिया। उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने चिकन को पका लेना है। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, चिकन हमने पहले बॉईल करके रखा हुआ था तो बस यहाँ पर हमने हल्का सा इसको पका लिया है और जो चावल हमने पसाए हैं वो डाल देंगे। ऊपर से लेयर लगा देनी है हमने चावलों की। तो मैंने यहाँ पर सारे चावल फैला दिए हैं। अब इसके ऊपर से जो हमने चिकन स्टॉक बचा के रखा था वो डाल देंगे। तो ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार डाला है पानी, जितना पानी बचे। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप नॉर्मल पानी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपको चलाना नहीं है क्योंकि चावल जो है कलर पूरे में फैल जाएगा। इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच ग्रीन चिली का अचार। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का अचार और साथ में जो शिमला मिर्च का मोटी लाल वाली जो मोटी मिर्च होती है उसका अचार है वो भी डाल दिया है तोड़ करके और दम पर लगा दिया। जब इसमें अच्छे से दम आ जाएगा 20 से 25 मिनट के बाद आप इसको खोलकर चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम खिले खिला से ये बने चावल एकदम परफेक्ट बिरयानी बन करके तैयार हुई थी। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हैं।
कितना ज़बरदस्त लग रही है देखने में, और बहुत ही इजी भी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये चिकन देगी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।